नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत राज्य हिंसा और उपद्रव की आग में जल रहा है। जहां भी नजर डालिए जलती दुकानें, जलती हुई गाड़ियां, भागते हुए लोग। इस माहौल को देखते हुए प्रभावित इलाकों में दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया गया। हाल ही में मणिपुर में एक बड़ी हिंसा देखने को मिली है। इस हिंसा में 60 से अधिक लोगों ने अपना जान गंवा दिया है, जबकि 100 से ज्यादा दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। वही एक इनकम टैक्स ऑफिसर और एक आर्मी कमांडो की हत्या कर दिया गया है। यह हिंसा चल रही है मणिपुर में तीन जनजातियों के बीच, मेती, कुकी और नागा के बीच। आखिर ये तीनों जनजातियाँ आपस में क्यों लड़ रही हैं? इन जनजातियों के टकराव के आखिर क्या कारण हैं? इन्हीं सभी सवालों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र यादव। मणिपुर में हुई हिंसा को जानने से पहले आपको समझना होगा मणिपुर के जियोग्राफी के बारे में। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में स्थित एक राज्य है और इसके आसपास में नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, ईस्ट में म्यांमार और वेस्ट में असम से अपने सीमा को साझा करता है। मणिपुर एक तरह से फुटबॉल मैच की तरह से दिखता है और इसकी राजधानी इम्फाल, जो कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एकदम बीचों बीच में है। इसके राजधानी यानी इम्फाल शहर में मैते जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है और इसके चारों ओर पहाड़ियों में नागा और कुकी जनजातियाँ रहती हैं। मैती समुदाय में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, जबकि कुकी और नागा ईसाई और मुस्लिम धर्म से आते हैं। मैती समुदाय की जनसंख्या मणिपुर में 53% के आसपास है, जबकि 40% जनसंख्या नागा और कुकी समुदाय से आती है, जिसमें 24% नागा जबकि 16% कुकी हैं। मणिपुर में 60 में से 40 विधानसभा सदस्य इम्फाल घाटी वाले क्षेत्र यानी मैते समुदाय से आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैती समुदाय से आते हैं। यदि मैती धर्म के इतिहास के बारे में बात करें तो मैती धर्म का इतिहास ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। यहाँ के राजवंशों द्वारा लिखित इतिहास 33 ईस्वी में पखंगवा के राजाभिषेक के साथ शुरू होता है। यह लिखित इतिहास का प्रथम शासक है, जो 33 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद मणिपुर में अनेक राजाओं ने शासन किया है, जैसे कियम्बा, चराइरोबा, गरीब निवाज जो 1714 में राज किए हैं, भाईचंद्र जयसिंह और गंभीर सिंह जो 1825 तक शासन किए हैं। मैतीय धर्म पहले से ही बहुसंख्यक था। चैतन्य महाप्रभु के साधुओं ने जब वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था, उस समय उन्हीं में से एक साधु थे शांतिदास अधिकारी और एक थे गोपालदास के प्रभाव में आकर के मणिपुर के राजा गरीब निवास ने मैतीय धर्म को छोड़ करके वैष्णव धर्म को अपना लिया था। इस वजह से वहाँ के अधिकांश लोगों ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं शताब्दी के आरंभ तक बनी रही और 1819 से 1825 तक बर्मी लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेज और मणिपुरियों के बीच 24 अप्रैल 1891 को खोगजोम युद्ध हुआ था, जिसमें मणिपुरियों के सेनानी पौना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस तरह से मणिपुर 1891 में अंग्रेजों के अधीन हो गया और जब अंग्रेजों ने 1947 में मणिपुर को छोड़कर गए तब मणिपुर एक स्वतंत्र देश बन गया था, जो 15 अक्टूबर 1949 को भारत में इसका विलय करवा लिया गया। तब से मैती समुदाय के द्वारा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा का मांग किया जा रहा है, ताकि मैती समुदाय के लोग को भी आरक्षण के तहत नौकरियां और अन्य सुविधा मिल सके। 1949 में जब मणिपुर भारत में विलय हुआ था, उस समय मैती को जनजाति का दर्जा प्राप्त था। ये मैतियों के द्वारा दिए गए दलील में कहा गया है, जबकि नागा और कुकी को पहले से ही मणिपुर में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है और ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई और समुदाय इसमें आकर के शामिल हो। अब बात करते हैं कि आखिर किस बात को लेकर के यहाँ पर हिंसा हो रहा है। दरअसल यहाँ पर मैती समुदाय की आबादी 53% के आसपास है और वो इम्फाल घाटी वाले क्षेत्र में केवल बस सकते हैं, जबकि नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी वाले इलाके में बसे हुए हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके तहत पहाड़ी वाले इलाके में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूंकि मैतेई समुदाय जो है इसको एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इस वजह से वह पहाड़ी वाले इलाके में नहीं बस सकते हैं, जबकि नागा और कुकी समुदाय जैसे आदिवासी चाहें तो इस इलाके में जाकर के बस सकते हैं। मैतेई, नागा और कुकियों के बीच इसी बात को लेकर के विवाद हो रहा है और मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिलाने का मांग किया जा रहा है। इस समुदाय के द्वारा मांग को लेकर कहने वाली संगठन का कहना है कि ये सिर्फ नौकरी और शैक्षणिक
आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पैतृक संस्कृति और पहचान का मामला है। मैत्री समुदाय को अपने आसपास वाले राज्य से आने वाले प्रवासियों से भी खतरा है। इसी को लेकर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM द्वारा आदिवासी एकता मार्च निकाला गया था और एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके वजह से 60 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और यहां से 9000 लोगों को किसी अलग जगह पर विस्थापित किया गया है। तो यही सब था मणिपुर में हिंसा के कारण।